अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं अपनी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टोटका लेकर आई हूँ जो कि ड्राई हेयर्स के लिए है। मैंने आपको जैसे कि अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको वही टोटके आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। कहीं से मुझे अगर पता चलता है कि कोई भी टोटका, तो अगर मैं वो अप्लाई करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे इफ़ेक्टिव लगता है, तो फिर ही मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें हम आपको बताते हैं, ये ड्राई हेयर्स के लिए है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है ये टोटका उसके लिए। चलें सबसे पहले इसमें आपने केले लेने हैं, जो कि 4 अदद केले ले लें जिनकी स्किन ब्लैक हो चुकी हो, जो आपके घर में यूज़लेस हैं आप वो वाले ले लीजिए। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इससे आता है। उसके बाद आप इसमें 1 लीमू का जूस डाल लें और 1 खाने का चम्मच आप इस पर शहद ले लें और 1 ही खाने का चम्मच इस पर दूध से उतरी हुई बलाई, जो आप दूध बॉईल करते हैं वो उस पर जो बलाई आती है वो ले लीजिए, और 2 खाने का चम्मच दूध आपने लेना है। और इसके बाद आपने इसमें लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर जमा हुआ है तो माइक्रोवेव में इसको आप थोड़ा सा रख के मेल्ट कर लें। मेरे पास ये है, थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ है। 2 खाने के चम्मच कोकोनट ऑयल ले लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हाथ से ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे, हाथ से मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो बनाना सही तरह मिक्स नहीं होता, फिर वो आपको वॉश करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में ही डालें और अच्छी तरह ब्लेंड कीजिए। अब हम इसमें इसको ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। जब आप इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये मिक्सचर बन जाएगा। और अब ये मिक्सचर मैं आपको अरीशा के बालों में अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये आपने मिक्सर किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसी तरह जैसे आप अपने बाल स्ट्रेट करते हैं, थोड़े थोड़े से बाल लेके उनको स्ट्रेट करते हैं, इसी तरह आपने थोड़े थोड़े से बाल लेके रूट से लेके एंड तक इस मिक्सचर को अप्लाई करना है। और बालों को अच्छी तरह से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पहले आप अच्छी तरह अपने हाथों से मिक्सचर बालों पर लगाएं, फिर उसको बालों को मसाज भी करें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कर रही हूँ। ये ऐसे हाथों से पहले मिक्सचर को अच्छी तरह अप्लाई कीजिए, फिर ये इस तरह से बालों का मसाज करें जी, ऐसे ऐसे बालों में लगाएं। इसी तरह आप ये मिक्सचर तमाम बालों में रूट से एंड तक लगा लें और फिर 5 मिनट तक इस बालों को मसाज कर लीजिए। ये देखिए, अब ये तमाम बालों में लग चुका है और मैंने बालों को अच्छी तरह से ये 5 मिनट तमाम बालों को मसाज भी कर लिया है। अब हम इनको बांध के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद हम इसको वॉश करेंगे और आपको रिजल्ट दिखाते हैं। अब इनको 2 घंटे बाद ये देखिए हमने वॉश कर लिया है और अब आपको ये ड्राई होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी भी ऐसे लग रहा होगा, ये देखें बालों में कितनी शाइन आ गई है और कितनी ग्लॉस आपको नज़र आ रहा होगा बालों में। ये देखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपसे इसी तरह बहुत से अपने टोटके शेयर करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।